वो दौर था 1999। रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ें एक तरफ, नशे की लत में बुरी तरह से फंसते जा रहे युवा तथा वेश्या व्यवसाय में फंसी हुई महिलाओं की समस्याएं, दूसरी तरफ बढ़ती हुई बेरोजगारी और इन सब में से जन्म लेती नई गुनहगारी, यह सब मन शून्य करने वाला मंजर था। ऐसे में एक नई उमंग के साथ स्थापन हुई नवजीवन लोक विकास संस्था। सन 2000 से 2007 तक की अवधि में कामाठीपुरा, नई बस्ती, खेतवाड़ी ऐसी बस्तियों में नाबालिग बच्चियों का बेझिझक व्यापार होके उन्हें वेश्या व्यवसाय में धकेला जाता था। इन बस्तियों की महिलाओं की चीखें असह्य थी। तब खुद की परवाह न करते हुए नवजीवन लोक विकास संस्था के संस्थापक श्री किशोर पाटिल जी ने अपने आप को इस समस्या से जूझने की लड़ाई में झोंक दिया। इन महिलाओं के चेहरे पर खुशी कैसे लाई जाए, यह एक ही ध्येय उनके सामने था। इसी के साथ साथ 2007 से लेकर 2014 तक गांव के किसान तथा उनकी समस्याएं जल प्राधिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सुलझाने का कार्य किया गया, जिसमें नवजीवन लोक विकास संस्था की तरफ से 4000 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया तथा केंद्रीय श्रमिक शिक्षण बोर्ड की ओर से 7000 महिलाओं को, जो विविध बचत गट की सदस्य थी, उनको प्रशिक्षण देकर उनका सक्षमीकरण का कार्य किया गया। अब तक नवजीवन लोक विकास संस्था ने विविध सामाजिक समस्याओं पर समाधान हेतु अपनी छोटी सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश की है, जिनमें से कचरा चुनने वाले बालकों का पुनर्वसन शामिल है। BCPT मुंबई के आर्थिक सहकार्य में से 600 कचरा चुनने वाले बालकों का शिक्षा प्रवाह में सफल तौर से लाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय बालक कामगार प्रकल्प थाने अंतर्गत, जिनकी शिक्षा आधे में छूट चुकी थी, ऐसे 460 छात्रों को सफलतापूर्वक पुनर्वसन किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा विविध शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक साहित्य का वितरण किया गया। कौशल्य विकास तथा व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत टेक महिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से कल्याण और उल्लासनगर शहरों में स्मार्ट ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से हजारों बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर अच्छी जगहों पर रोजगार एवं जॉब प्रदान करने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस उपक्रम के माध्यम से नवजीवन लोक विकास संस्था का नाम आज पूरे महाराष्ट्र में अग्रस्थान पर पहुंच रहा है। इस सब के साथ संस्था को विविध कंपनियों का सहकार्य भी प्राप्त हुआ है, जिनमें प्लान इंटरनेशनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्लू स्टार, रिलायंस फाउंडेशन इत्यादि शामिल है। कुछ नन्हे प्रयासों से शुरू हुआ यह सफर आज आप सभी के सहयोग से एक कारवां बनने जा रहा है। चलो हम सब मिलकर नवजीवन लोक विकास के इस उद्देश्य को सफल बनाएं। धन्यवाद।